हाय एवरीवन। सो यार एक बार और फिर से एक मेजर अपडेट के साथ लेके आया हूँ आपके लिए यार। वेलकम टू द चैनल। ठीक है, तो सीयूसेट पीजी 2023 के रीओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है फिर से रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, सो यार बेसिक इसके बारे में यार यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, बहुत सारे मेल्स उनके पास गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर थे, वो मुझसे कह रहे थे सर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं आया। तो उन्होंने सबने मेल किया है मिलकर और फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन जो है फिर से ओपन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आप ये सीयूसेट पीजी की वेबसाइट पर यहाँ पर जा सकते हैं और रीओपनिंग वाला ये जो है इनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसकी कुछ खास बातचीत मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, कुछ पांच चीजें, तीन चार चीजें हैं, इसको जरूर आप नोटिस करेंगे यार। सबसे पहले तो ये है, देखो भाई रीओपनिंग हो गया है रजिस्ट्रेशन का, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? पहले 5 मई तक आप भर सकते थे, लेकिन अब जो है आप अगर देखें तो भाई 11 मई तक भर सकते हैं, यानी कि 9 मई को आज ही ओपन हुआ है, बिल्कुल अभी नोटिफिकेशन आया है, और 11 मई तक आप जो है इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। फीस पेमेंट रात के 12 बजे 11 तक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा भाई, इंतजार मत करना जिनका रजिस्ट्रेशन अधूरा रह गया था या जिन्होंने शुरू ही नहीं किया था रजिस्ट्रेशन, भाई शुरू कर दो, अब इंतजार मत करना, इसके बाद दोबारा नहीं खुलने वाला है। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल है, बस लास्ट है, इसके बाद नहीं खुलेगा। तो आज ही भर दो, 9 मई के अंदर अंदर ही भर दो, बिल्कुल 11 मई का इंतजार मत करना। आखिरी दिन सर्वर डाउन हो सकता है, आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है, फी पेमेंट ना हो, कुछ भी हो सकता है, आप आखिरी दिन का इंतजार ना करें, आज ही जो है ये फॉर्म जरूर फिलअप कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो जरा वीडियो को आखिरी तक देखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, यानी कि आधा रजिस्ट्रेशन रह गया था, और या फिर जिन्होंने भैया जिन्होंने भरना स्टार्ट ही नहीं किया था। तो दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अधूरा रह गया था और जिन्होंने फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया था, वो भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो, सर करेक्शन विंडो विल बी वन सेकेंड ओपन ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स, जो अब फॉर्म भर रहे हैं उनका करेक्शन विंडो दोबारा खोला जाएगा, लेकिन जिन्होंने पुराना फॉर्म भर रखा है उनका 6 से 8 मई को करेक्शन विंडो बंद हो चुका है। ठीक है, और या फिर जिन्होंने अभी तक करेक्शन विंडो पुराना यूज नहीं किया था, बाई चांस आपने मान लीजिए एक बार करेक्शन अगर कर लिया है, तो शायद मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में क्योंकि मेरे पास लॉगिन एक्सेस नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसा है, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो अगर आपने पहले करेक्शन नहीं किया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है हु हैव नॉट जस्ट ओपन द एडिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिन्होंने अभी पहले एडिटिंग नहीं करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में वो एडिटिंग कर सकते हैं, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है वो भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसके बाद दोबारा विंडो ओपन होगी एक दो दिन के लिए। ठीक है, लेकिन जो एडिटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, शायद उनके लिए अब दोबारा ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार लॉगिन करके जरूर चेक करें कि आप लोग एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर एडिट कर पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना यार, मैं डेफिनेटली इस पर आपके पास आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा इसमें। ठीक है, कि जो पुराने जिन्होंने एडिटिंग कर रखी है क्या वो दोबारा फॉर्म एडिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस बार ये कह रहे हैं भैया अपनी भैया करेक्शन जो है ढंग से कर लेना, अपना फॉर्म जो है ढंग से एक बार भर लेना, दोबारा करेक्शन का मौका शायद आपको ना दिया जाए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन की बात रही। ठीक है, आपको मेन चीजें समझ में आ गई, मेजर चीज यही है यार कि आप 11 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और करेक्शन जो है आपके लिए एक विंडो खोली जाएगी, बट कोशिश करें करेक्शन की जरूरत ना पड़े, और जिन्होंने अभी तक एडिट एक्सेस नहीं किया था यानी कि अपना करेक्शन नहीं किया था वो एक बार करेक्शन विंडो चेक कर लें। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, जैसे कि सर पेपर की डेट भी चेंज हुई है क्या? नहीं, पेपर की डेट में कोई बदलाव नहीं आया है, जो पहले पेपर की डेट थी 5 से 12 जून वही है, कुछ भी डेट में चेंज नहीं आया, एग्जाम डेट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, बाकी अगर आप सीयूसेट पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इस चैनल पे, पार्ट ए की पूरी तैयारी करवा रखी है, 2021 का पेपर, 20 का पेपर, 19 का पेपर, 18 का पेपर, 2022 के भी इस साल में पेपर करवा रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है, जिसमें 3 से 4 हजार बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ पेपर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यार, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पेपर चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको एमबीए के पेपर चाहिए, स्टैट्स के पेपर चाहिए, कुछ पेपर तो ऑलरेडी मैंने ड्राइव लिंक में डाल रखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। अगर ड्राइव लिंक में आपका पेपर नहीं है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको
आपके पेपर प्रोवाइड कर सकूं बाकी बच्चों से, पिछले साल के स्टूडेंट से बात करके यार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज सीयूसेट पीजी जब तक चल रहा है 2-3 महीने तब तक तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए चैनल को, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लाता ही रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय।